رمضان جانا وفرحنا مو بعد غيابه أهلا رمضان نقوله شهر طوله نقوله أهلا رمضان رمضان جانا وصوت اسمع دقة الأبواب وسفرة حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه. السلام عليكم سبكو, كيا حال ہے سب کا؟ دعا کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں. अब आज है हमारे यहाँ फोर्थ रोज़ा डे है, फ्राइडे, और टाइम हुआ है 2. मरियम स्कूल से आई हैं अभी और नमाज़ पढ़ रही हैं, और बाहर बारिश बहुत तेज़ वाली हो के रुकी है और अब हल्की वाली बारिश हो रही है. आसमान भरा हुआ है बादलों से और पानी आ रहा है नीचे. बहुत अच्छा वेदर है, ठंडा सा, धूप नहीं है तेज़. खिड़कियाँ बंद की हुई हैं मैंने, और अब मैं मरियम और साथ के लिए कुछ बनाने लगी हूँ. आई थिंक मरियम ने मैगी कहा हुआ है मुझे, एक पैकेट बना दूँगी. ये ड्राई लेमन लिया हुआ है मैंने कप्सा बनाने के लिए. जी ये मैगी मैंने रख दी है, जब तक ये बनेगी मैं साथ को फ्रेश करके ले आऊँगी. मैगी इज़ रेडी एंड साथ का सैंडविच भी बन गया है. अंडा पराठा भी बनाएंगे. और आप क्या खाएंगी? मैगी. चावल इसको सोख करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए. चावल सोख कर दिए हैं मैंने आधे घंटे के लिए. दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, जिसे मैं जल्दी जल्दी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाती रहूंगी, क्योंकि अगर इसको हिलाया ना जाए तो ये नीचे लगने वाला हो जाता है. चावल मैंने हल्के से ग्राइंड कर लिए हैं ताकि लंबे लंबे चावल भी ना हों और बिल्कुल इनका फिरनी की तरह पेस्ट भी ना बन जाए. हल्का अभी जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो इंशाल्लाह हो जाएगा. 5:30 हो चुके हैं. मैं जिससे एक तो उसका हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू भी बढ़ जाता है और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है, टेक्स्चर बहुत अच्छा हो जाता है. तो मैं देखती हूँ इसमें 1.5 डालूंगी. तो ये देखें खीर, अब थोड़ी देर और पकाऊंगी इसमें कंडेंस मिल्क डालने के बाद, और फिर इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के तो फिर इसको 5-10 मिनट के लिए ढक दूंगी. इसको अब ढक कर पकने देती हूँ. खीर तैयार हो गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी लग रही है देखने में. खीर मैंने डाल दी है बॉल्स में, ये देखें कितना प्यारा कलर आया है खीर का, मीठा भी. इस तरफ मेरे राइस बनाए हैं मैंने, कल के मीट बॉल्स लेफ्ट ओवर थे वो डाल के मैंने अच्छे से राइस बना लिए हैं, और साथ खीर और साथ में बनाना
साथ के मोस्ट फेवरेट हैं मंकी बनानास। मंकी बनानास जाइए आप नमाज पढ़ें। ये भी असर की जब उन्होंने नमाज पढ़ी। अच्छा, देखो।